हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद सुदीप। आज हम लोग कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स से रिलेटेड कुछ नए वर्ड्स को समझने जा रहे हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हो आज का हमारा जो पर्टिकुलर वर्ड है वो है बाथ और बेथ। सिर्फ एक लेटर ई का डिफरेंस है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो आज का हमारा टॉपिक बाथ और बेथ है। नाउ बाथ जो वर्ड होता है वो सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन हमें ये याद रखनी है कि वी हैव टू टेक बाथ इन टर्म्स ऑफ नाउन। यहाँ पे बाथ जो वर्ड होता है वो नाउन की तरह काम करता है, मीन्स हमें बाथ को नाउन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्लेस ऑफ नाउन का इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। प्लेस ऑफ नाउन कहने का मतलब एक सेंटेंस में नाउन कहाँ लगता है, किस वर्ड के बाद आता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इस वर्ड को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर मीनिंग का जिक्र किया जाए तो ये कहता है इट रिफर्स टू एक्ट ऑफ वॉशिंग समथिंग एक्सपोजिंग वंस बॉडी टू वाटर। मतलब किसी चीज को अगर पानी के संपर्क में लाना है, एक्सपोज करना है ताकि वो धुल सके, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बाथ। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस सेंस में आना चाहिए, नाउन के सेंस में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जरा, आई टुक अ बाथ। इस सेंटेंस में जैसा कि आप देख पा रहे हो टुक जो है वो टेक का पास्ट फॉर्म होता है, तो वर्ब तो यहाँ पे क्लियर है कि टुक है। और अगर वर्ब यहाँ पे टुक है विच मीन्स बाथ क्या है, बाथ वर्ब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बाथ के पहले ए आया है और ए जनरली सेंटेंस में किसके पहले आता है, नाउन के पहले। तो ये तो क्लियर है कि बाथ यहाँ पे क्या है, नाउन है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एंजॉयड अ लॉन्ग बाथ। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, एंजॉयड, और बाथ क्या है, नाउन है। कैसे मैंने समझा, तो आप देख पा रहे हो लॉन्ग, लॉन्ग जो कि एक एडजेक्टिव होता है, और सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद जनरली जो वर्ड आता है वो क्या आता है, नाउन आता है। ये आप याद रखना, मैंने पहले ही कहा था प्लेस ऑफ नाउन की जानकारी आपको होनी चाहिए, अदरवाइज गलती हो सकती है। ऑलराइट, एक और रूल देखते हैं इसका। अब बाथ का एक और सेंस निकल सकता है, द लिक्विड कंटेनर और रूम यूज्ड फॉर वॉशिंग। मतलब बाथ कैन बी अ प्लेस ऑफ वॉशिंग, मतलब बाथ जो है एक पर्टिकुलर जगह को भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, जहां पर लोग स्नान करते हैं, ठीक है। जैसे देयर इज अ पब्लिक बाथ नियर द चर्च। चर्च के पास एक पब्लिक बाथ है, मतलब सामूहिक स्नानागार। सिमिलरली बहुत लोगों के घर में एक बाथ टब होता है जिसमें वो लोग स्नान लेते हैं, बाथ लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर बाथ टब को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, बाथ कह सकते हैं। तो बाथ क्योंकि एज अ नाउन यूज हो सकता है, इसका मतलब बाथ का मतलब कोई लिक्विड कंटेनर, तो उस बाथ टब में क्या रहता है, पानी ही तो रहता है, तो उस बाथ टब को भी आप सिर्फ बाथ कह सकते हो क्योंकि वहां पर वो एक पर्टिकुलर कंटेनर है, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ बेथ जो वर्ड यूज होता है, देखो प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होनी चाहिए, इसको बेथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेथ जो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है वो किसकी तरह काम करता है, एज अ वर्ब फॉर्म। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, एज अ वर्ब फॉर्म, ठीक है। जैसे दे बेथ रेगुलरली, ऑलराइट, यहां पर बेथ क्या है, वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद किसका पोजिशन आता है, वर्ब का। वो लोग डेली स्नान करते हैं, दे बेथ रेगुलरली। सेकेंड, ही बेथ लास्ट नाइट, यहाँ पे भी बेथ क्या है, वर्ब है। नाउ जो सबसे जरूरी चीज हमें याद ये रखनी है कि सेंटेंस में बाथ दिया रहे या बेथ दिया रहे, वहां पर दोनों का सेंस क्या होगा, नहाना या फिर शरीर को साफ करना, ये बात हमें याद रखना है। लेकिन डिफरेंस क्या पड़ेगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वहां पर डिफरेंस होगा, क्योंकि कहीं पर बात क्योंकि नाउन है तो वो नाउन की तरह यूज होगा सेंटेंस में, और बेथ क्योंकि वर्ब है तो वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। तो बस सिर्फ यूज का डिफरेंस है, सेंस बिल्कुल सेम। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि बाथ और बेथ का जो डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो एज अ नाउन किया गया है या एज अ वर्ब किया गया है। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने का कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर चेक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बाथ डेफिनेटली एक नाउन है क्योंकि उसके पहले एक आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। इस सेंटेंस को हम लोग बेथ का यूज करके इस प्रकार से लिख सकते थे, आई बेथ एंड लेफ्ट, दोनों का मीनिंग सेम है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन, बेथ डेफिनेटली एक वर्ब है, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल भी करके बना सकते थे, लाइक आई टेक अ बाथ रेगुलरली, दोनों का मतलब सेम होगा। थर्ड क्वेश्चन में बाथिंग डेफिनेटली एक वर्ब है, तो यहाँ पे नाउन से एक बनाने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर द टूरिस्ट वॉज टेकिंग अ बाथ, जो कि एक नाउन है, इन द रिवर, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। नाउ द फोर्थ वन इज रियली डिफिकल्ट, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया वो कमेंडेबल है विदाउट एनी डाउट, ऑलराइट, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हेट भी वर्ब है और बेथिंग भी वर्ब है, तो ये तो हो नहीं सकता कि एक सेंटेंस में दो दो कंटिन्यूअस वर्ब हो विदाउट एनी कॉमा और एपोस्ट्रॉफी, ऑलराइट, तो हेट्स वर्ब है विदाउट एनी डाउट, लेकिन बाथिंग यहाँ पे क्या है, इट इज अ नाउन, क्यों, क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो माई डॉग हेट्स, मेरा जो डॉग है वो हेट करता है क्या, बाथिंग, तो बाथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, तो नाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के सेंस में हो सकता है, यहाँ पे बाथिंग किसका काम कर रहा है, एज अ जेरेंड, जेरेंड किसको कहते हैं, तो वैसे वर्ब फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म में हो और नाउन की तरफ वर्क करें उनको जेरेंड कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बेथ विदाउट एनी डाउट वर्ब है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट इन दिस सेशन।